श्री सीताराम, स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। अभी हम हैं सोनू मूर्तिकार जी के यहाँ पे, और यहाँ पे काली माता जी तैयार हो रही हैं सिहोरा की, और एक काली माता जी तैयार हो रही हैं कटनी की। हालांकि सोनू भैया का पंडाल तो आपको देखने में छोटा दिखेगा, लेकिन मूर्ति यहाँ की बहुत विशाल है। मेन रोड यहाँ से जा रही है, अगर आप इस तरफ को जाएंगे तो रानीताल पहुँचेंगे, इस तरफ को जाएंगे तो आधारताल आपको पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा अगर आपको मैं पीछे का एरिया दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का है पंडाल, ये ही है छोटा मोटा, लेकिन मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि मूर्ति काफ़ी खूबसूरत सी है। अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो ये देवी जी हैं सिहोरा के गाँव में बैठेंगी, जिनकी तैयारी अभी चल रही है और मैं अभी अंदर चल के आपको दिखाने वाला हूँ। ये शंकर जी के चरणों का काम हो रहा है, आगे आ रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आके आप देख लीजिए ये लुक है देवी जी का। ये हैं अपने शंकर जी, शंकर जी का फेस अभी केवल बना हुआ है, लेकिन अभी इसमें वाइट वॉश तो नहीं हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको देख पा रहा होगा। शंकर जी का चेहरा बहुत प्यारा लग रहा है, और ऊपर जो आप शंकर जी का झूला आप बोल सकते हैं, अभी गंगा माँ विराजमान होंगी वहाँ पे, तो काम अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ, थोड़ा बहुत नहीं बोलूँगा बहुत ही बचा हुआ है। इस हाथ में शंकर जी के डमरू है, और देवी जी का ये देखिए आप कमर देखेंगे तो कमर में पूरे हाथ 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 लटके हुए हैं। देवी जी का फेस अगर आप देखेंगे तो भाव ही अलग है। मैं थोड़ा सा कैमरा आपको ऊपर करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा फेस देवी जी का। अबे तुम भाई कहाँ चढ़ रहे हो यार? ये मैं आपको बोल दूँ तो ये नसीब की ही बात है। वाकई में कई पंडालों में जाता हूँ, इतने करीब जाने मिलता नहीं है देवी जी के, और यहाँ पे मैं पिछली बार भी आया था तो भी देवी जी के फेस के सामने बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात रहती है। और मैं आपको करीब से थोड़ा दर्शन कराता हूँ, आप देखिए देवी जी का फेस, अगर आप भाव देखेंगे देवी जी का तो देखिए आप। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप जैसे जैसे देवी जी का नोज़ भी बनाया गया है, आप बीच में अगर देखेंगे ना तो कटिंग जो आई है यहाँ पे फेस के पास से, देखिए कितनी शानदार, मतलब टोटल अलग है। मैं दूर से देख रहा था तो उतने अच्छे समझ में नहीं आता, लेकिन करीब से ये चीज़ काफ़ी खूबसूरत सी लग रही है, कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन देखने मिल रहा है। आईज़ अगर आप देखेंगे तो देखिए, और एक आई देवी जी की यहाँ पर बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। दो भुजा इस तरफ है देवी जी की, दो भुजाएं इस तरफ है, हाथ भी बन के तैयार हो चुका है, ये एक हाथ तैयार हो चुका है। ये देवी जी हैं, इनको जाना है सिहोरा में, और जब ये मूर्ति पिछली बार रेडी हुई थी तो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था, काफ़ी अच्छी चली भी थी, वो वीडियो आपने पसंद भी किए थे। जब इन देवी जी का फेस बना था ना पिछली बार, और जो भैया ने कलर दिए थे, ख़ासतौर पर इनकी आईज़ में जो कलर आया था, आईज़ पूरी ब्लू कलर की बनी थी, और उसमें जो एक एक नसें दिखाए थे ना भैया ने, वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। उम्मीद है कि इस बार भी वैसा ही कुछ टच देखने मिलेगा देवी जी में। हालांकि मूर्ति शायद इस बार बोल रहे हैं भैया कि थोड़ा चेंजमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी वही टच देखने मिलेगा। और अभी मैं कितनी हाइट पे हूँ अभी तो उतना मुझको डर नहीं लग रहा है, लेकिन जब देवी जी का बाल पूरा बन जाएगा, पिछली बार वाकई में बहुत 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 विकराल रूप बना था, और पूरा श्रृंगार के सामने मैं बैठा था ना देवी जी के, तो कहाँ पर था भाई, इतना देवी जी का विशाल रूप बना था। एक बार और आप थोड़ा सा करीब से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे अलविदा लूँगा और नीचे जाऊँगा। देखेंगे तो आप देखिए इस पटे के ऊपर ही मैं बैठ गया हूँ, और सीढ़ी यहाँ से मैं चढ़ा था वो आपको दिखाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल में आप देख लीजिए देवी जी का फेस। हमारे साथ के बंदे ये खड़े हुए हैं, चलिए उतरा जाए। हाँ भाई पकड़े भैया, काफी फ्लेक्सिबल सीढ़ी है और कपड़े भी काफी फ्लेक्सिबल पहन के आया हूँ आज। अच्छा हुआ ऐसे कपड़े पहन के आया था। चलिए मूर्तिकार जी से आपको मिलवाते हैं। ये हैं भैया जी हमारे पास, सोनू मूर्तिकार जी। भैया जी कितनी हाइट होगी देवी जी की? 14 फीट। और वैसे ही टच देंगे पिछली बार जैसा था ना? और अच्छा हो सका तो अच्छा देंगे नहीं और अच्छा तो होगा ही, बेहतर ही होगा, क्योंकि जो हम लोग काम करते रहते हैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस उसमें जुड़ता है, तो आदमी हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। अपने को समझ में नहीं आता है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ फिनिशिंग आता ही जाता है। तो एक ये देवी जी हैं, एक कटनी वाली देवी जी हैं, और एक और बननी है,
काफी कम काम है भैया जी के पास। काम रहे अपने पास तो अपन ने क्या, हमारे पापा पीजा वाले जो रिश्तेदार हो गए रहे। हाँ मैं ये चीज़ मैं सोच रहा था वीडियो में बोलूँ कि ना बोलूँ। हाँ बना मना कर दिए ये सोचने वाली बात है। देखिए अभी तीजा लगा था, अभी दो दिन पहले ही था ना शायद, तो भैया जी के पिताजी एक्सपायर हो गए थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। आप भी दो मिनट हाथ जोड़ के प्रे कर लीजिएगा कि भगवान अंकल जी की आत्मा को शांति मिले। उसके बावजूद भी भैया अभी काम कर रहे हैं तो ये अपने आप में सलामी की बात है, वाकई सलामी की बात है। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो भैया बहुत मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम ही मूर्तियाँ बनाते, लेकिन इनके हाथ में ना बहुत अच्छी फिनिशिंग है। तो अगर आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं तो आप भी कॉन्टेक्ट नंबर है भैया को कॉल करिए और एक मौका दे के देखिए। मेरे को ये उम्मीद है अगर आप एक मौका देंगे तो भैया आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, काफ़ी शानदार काम करके आपको देंगे। एक ये देवी जी हैं जो कि कटनी जाना है। एक और काम अभी भैया लेंगे, जैसा कि आपको पता है थोड़ा सा भैया अभी ख़राब दौर से गुजर रहे हैं, उसी लिए थोड़ा सा लेट भी हो गया इनको, नहीं तो अब तक मूर्ति लगभग तैयार मिलती है। और ये चिल्लर पार्टी क्यों, क्या नाम बताया तुमने पिछली बार? इस बार तुमने काली जी नहीं बनाए, कहाँ है? हाँ छोटी बनाए हो, बड़ी छोटी कितनी देर में बनाए हो? तो उनको तुम विसर्जन करोगे किसी को दोगे? अच्छा इनके साथ जाएंगी कटनी, तो तुम बिना देखे बनाए हो अपने मन से कि कहीं से देख के बना रहे हो? अच्छा ये देवी जी का रूप दिए हो। तो स्कूल जाते ना? अभी बंद चल रहा है, कितने दिन तक नहीं जाओगे? अब देखो कब खुलेगा। हाँ हमको मैम बता के नहीं बंद करी। स्कूल तो खुला ही होगा ना। सुनो तो इसकी मूर्ति देखी तुमने? नहीं नहीं, क्या बनाई है? क्या बनाया है तुमने? देखी नहीं ना। अरे वीडियो में ले वीडियो दिखाओ दिखाओ, कहाँ पे बनाए हो मूर्ति? मूर्ति में देखा, वही तो हम पूछ रहे थे, गणपति जी बनाए था इसने। अरे ये बनाए हो, बड़ी शानदार मूर्ति बनी है यार। ये काली जी बनाया भाई ने, आप देखेंगे बड़ा शानदार मूर्ति बनी है। छोटी सी ये प्रतिमा, शंकर जी हैं। और अच्छा शंकर जी का आप जैसे ये नाग देवता देखेंगे तो पीछे अक्सर देखने मिलता है, यहाँ पे शंकर जी के पेट के ऊपर ही बैठा है नाग। काली जी बढ़िया है, आपने पता है आपको बहुत अच्छी मूर्ति बनाए हो। हम कई पंडाल में जाते हैं, आपके जैसा छोटा मूर्तिकार हमको मिला नहीं है। एक अज्जू पटेल भैया के हम जाते हैं, सुने होंगे नाम आप, है ना, वहाँ पे मिलता है हमको आपके जैसा छोटा लड़का, ऋतिक नाम है उसका, लेकिन वो भी मूर्ति बनाता नहीं है, सिर्फ कलर करता है मूर्ति में। तो कलर तो ऐसे नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, लेकिन बनाना अपने आप में एक कला है, तो अपने कला को ऐसे ही आप बरकरार रखना। श्री सीताराम, ये बात तो आप वैसे भी जानते होंगे कि छोटा काम जो रहता है घना काम, तो उसमें तो थोड़ा मुश्किलात आएगी, बाकी बड़ा काम तो खैर हो ही जाता है आसानी से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, मिलो।